उत्तराखंड में विधायकों ने तोड़े नियम, सीएम धामी सहित 44 विधायकों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा, आरटीआई में हुआ खुलासा। प्रत्याशियों को लेकर गंभीर, कांग्रेस प्रत्याशियों को दिए दिशा निर्देश, गणेश गोदियाल ने बीजेपी की मंशा पर खड़े किए सवाल। यूक्रेन से भारत पहुंची रुद्रपुर की छात्रा, परिजनों ने जाहिर की खुशी, भारत सरकार का जताया आभार। पौड़ी में मानवता हुई शर्मसार, नवजात शिशु के शव को कुत्तों ने किया शक्त विशक्त, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 44 विधायकों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, इसका खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट नदीम उद्दीन को आरटीआई के तहत जानकारी लेने पर हुआ। सूचना के मुताबिक उत्तराखंड के 71 विधायकों में से मुख्यमंत्री सहित 44 विधायकों ने अपनी संपत्ति विवरण ही विधानसभा को नहीं दिया। विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी की ओर से ये सूचना उपलब्ध कराई गई है। नियमानुसार विधायकों को विधानसभा में अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल देना जरूरी होता है। विधानसभा के लोक सूचना अधिकारी हेमचंद पंत ने सूचना उपलब्ध कराई है। इसके मुताबिक इस बार विधायक बनने के बाद संपत्ति विवरण न देने वाले विधायकों की सूची में 44 विधायकों के नाम शामिल है। चुनाव परिणाम आने से पहले कांग्रेस उत्तराखंड में पूरी तरह से खुद को सेफ रखना चाहती है, इसके लिए प्रत्याशियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस विषय पर खुलकर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी की मंशा और नीतियों पर तमाम सवाल उठाए हैं। सूत्रों की माने तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर काफी गंभीर दिख रही है। उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के विधायक उम्मीदवारों को नतीजों से पहले राजस्थान में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि इस विषय में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पार्टी ने अभी तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की है और अभी तक कोई रणनीति तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने बीजेपी की मंशा पर कई सवाल जरूर उठाए हैं। मेरी तरफ से आप ये प्रश्न वहां भी पूछेगा कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्रचंड बहुमत आ रहा है, दूसरी तरफ आगे पूर्व की ओर जाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो ये तो विरोधाभासी बातें हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी समझ गए हैं कि जमीन खिसक चुकी है। उत्तराखंड में जमीन खिसक चुकी है, उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक चुकी है और इसका आभास पूरी तरह हो चुका है। उन्हें बड़े नेताओं को बुला रहे होंगे कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, अपना स्थिति का आकलन कर रहे होंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन ये तय है कि इस प्रदेश में एक हफ्ते बाद बनने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार होगी। कांग्रेस क्या कहती है और क्या नहीं कहती, इस पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता हमको नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रही है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से हताश और निराश है, इसीलिए वो इस तरह से अनर्गल बयानबाजी करके कभी पोस्टल बैलेट, कभी ईवीएम, कभी कुछ जो उनके मन में आए वो उनको बोलते जा रहे हैं। लेकिन ये उनकी बौखलाहट है और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले दिनों से जारी युद्ध के बीच भारतीय छात्रों का भारत लौटने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में यूक्रेन से रुद्रपुर के प्रीत विहार में रहने वाले छात्र जावेद अंसारी और अर्श मलिक अपने वतन लौटे। छात्र के सकुशल वापस घर लौटने पर परिजनों ने खुशी जाहिर की और भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। आपका आभारी हूं न्यूज़ चैनल वालों का जिन्होंने हेल्प की है। बाकी जो मेरे सामने और मेरे साथ वालों के सामने जो है कठिनाई आई है बॉर्डर पे, वहाँ से जब हम बॉर्डर पास कर रहे थे, टर्नोपिल से निकले हम पोलैंड बॉर्डर की तरफ, वहाँ हमें पदयात्रा भी करनी पड़ी, छात्रों को 30-40 किलोमीटर दूर तक चलना पड़ा रात में, वहाँ हमें इंतज़ार भी करना पड़ा लाइन में ठंड में -7 -8 में। वहाँ पहुँचे तो हम वहाँ एडवाइजरी थी एक इंडियन एम्बेसी की, आप चले जाएँ और आपको पोलैंड बॉर्डर पर क्रॉस हो जाएगा। लेकिन वहाँ पहुँचे हम तो वहाँ उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ हमने सुबह 9-10 बजे तक वेट किया आप करेंगे, हमने एम्बेसी वालों को फ़ोन किया, वहाँ उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया। तो फिर हम हार के लास्ट में हम 5-6 बजे वहाँ से निकले, फिर हम स्लोवाकिया बॉर्डर से हम वहाँ हमने क्रॉसिंग करी यहाँ तक। लास्ट ईयर होने वाला था मेरा, 5th ईयर था, 1 साल बचा था सिर्फ मेरा। तो मेन परेशानी तो यह है कि अभी पता नहीं हालात कैसे हों, आने वाले साल में क्या होता है, खुलेगी पढ़ाई कैसे आगे कंटिन्यू होगी,
उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अभी तो, कि हो सकता है हमें ट्रांसफ़र दिलवा दें, कहीं कुछ करें हमारे लिए। और जो परेशानियाँ हुई हैं वो तो हमें बहुत ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा हमें लेट बताया ऑनलाइन क्लासेस का, उन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने ऑफलाइन रखी हमारी क्लासेस लास्ट तक। अगर ऑनलाइन रखते तो हम पहले निकल के आ जाते वहाँ से। इन्होंने लास्ट दिन तक हमसे ये कहा एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो वहाँ पे हम उसी वजह से हम वहाँ रुके हुए थे, क्योंकि फाइनल ईयर था, रिस्क ले नहीं सकते थे, क्लास मिस कर नहीं सकते थे। नहीं देखिए, अब तो समय पहले हम अपनी भारत सरकार को धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि जिन कठिनाइयों में हमारे बच्चे थे वहाँ पर, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में जो हमारे बच्चों की हेल्प करी गई है और वहाँ से यहाँ तक एयरपोर्ट तक लाया गया, वो हम उस चीज़ के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी भारत सरकार के और चैनल वालों को भी, ताकि हमारी खबर इन्होंने वहाँ तक पहुँचाई। और हमने अपनी राज्य सरकार से भी अपील करी थी धामी जी से, तो उन्होंने भी ट्वीट लिखा था जब हमारी खबरें सुनी उन्होंने, तो उनका भी हम शुक्रगुजार हैं, राज्य सरकार का भी और अपने मोदी जी सरकार का भी, जो उन्होंने रोज से बात करी और इतना टाइम थोड़ा मिला और बच्चों को यहाँ सुरक्षित पहुँचा दिया गया। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट खुलने से पहले ही यहां सैलानियों की भारी संख्या में आवाजाही होने लगी है। अभी तक धाम के कपाट खोलने को लेकर तारीख भी तय नहीं हुई और धाम में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिस कारण भगवान शंकर की तंद्रा भंग होने के साथ ही अजैविक कूड़ा फेंकने के कारण पवित्र वातावरण दूषित हो रहा है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो रेवेन्यू पुलिस के एरिया में आता है, वो रेगुलर पुलिस का नहीं है। वहाँ पर हमारा प्रस्ताव भी गया हुआ है, लेकिन फिर भी जहाँ भी आवश्यकता होती है पुलिस की तो तत्काल वहाँ पर भेजकर कार्रवाई की जाती है। दस दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिससे हालात काफी खराब हो गए हैं। हालात को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत निकालना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में यूक्रेन से दिनेशपुर के छात्र अमन राय अपने वतन लौट आए हैं। छात्र के सकुशल वापस घर लौटने पर परिवार में खुशी है, तो वहीं परिजनों ने भारत सरकार का आभार भी जताया है। रशिया की तरफ से लगातार बमबारी वगैरह हो रही थी और हम लोग शेल्टर में रुके हुए थे, जैसे मेट्रो स्टेशन हैं हर जगह पे, वहाँ पे कहते अंडरग्राउंड जाके हम लोग काट रहे थे 5-6 दिन वहीं पे रुके। फिर लगा कि कहते हैं हाँ कि कहते हैं हमको यहाँ पे रुकना भी सेफ नहीं है, जाना भी सेफ नहीं है, तो कहते हैं लेकिन हमने ट्राई किया कि हम जाते हैं वहाँ पे, चाहे जैसे तैसे हो पहुँचे बॉर्डर पे, पहुँचे अलग देशों के, वहाँ से हमको कहते हैं रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो कहते हैं वहाँ पे गए हम लोग जैसे तैसे ट्रेन वगैरह पकड़ के हम गए सारे बच्चे, और वहाँ पे एमबीसी के द्वारा कहते हैं थोड़ा बहुत हेल्प प्रोवाइड किया गया और वहाँ से हम लोगों को प्लेन प्रोवाइड करके इंडिया भेज दिया गया। सरकार का तो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो वहाँ से हंगरी बॉर्डर से जो उनको सहयोग दिया, जो यहाँ दिल्ली तक लाने के लिए जो व्यवस्था की थी प्लेन का, वो सरकार का तो धन्यवाद है ही। फिर वहाँ पे एयरपोर्ट में भी हमारा उत्तराखंड का नेतृत्व करने वाले भी वहाँ पे उनको स्वागत भी किया था और पूछ भी रहा था उनसे लड़के से कि जाने की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या, तो उन्होंने कहा हमारे पेरेंट्स आए हुए थे, तो बस उसके बाद उन लोगों ने कहा ठीक है आप अपने पेरेंट्स से जाइए। हमारा भतीजा जो अमन यूक्रेन में फंसा हुआ था भयंकर गोलीबारी के बीच, और वहाँ से किसी तरीके से बच के आज हमारे बीच लौटा है, हमारे लिए बड़ा खुशी का बात है। दिपंकर दर के परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। और यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के
अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for the venture Vedanta and I just Good afternoon everyone. My name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। थराली में जीआईसी नारायण बगड़ और जीआईसी असेर सिमल का 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। इस मौके पर शिविर के दौरान बेहतर कार्य करने वाले स्वसेवी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में एनएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और ये छात्र छात्राओं के व्यक्तिगत निर्माण में विशेष सहायक भी है। हमारा जो एनएसएस का ये 7 दिवसीय विशेष शिविर रहा है उसमें छात्रों ने बहुत अच्छे से प्रतिभाग किया और यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम और दिन में मध्यान्ह भोजन के उपरांत वाद विवाद, क्विज प्रतियोगिताएं, अंताक्षरी, बहुत सी एक्टिविटीज़ बच्चों ने की और उसमें बहुत से बच्चों ने एनएसएस का जो उद्देश्य है वो सही उद्देश्य क्या है कि बालक का सर्वांगीण विकास। विद्यालय की जो पढ़ाई है क्लासरूम तक ही सीमित है लेकिन असली जो बालक का बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तीनों ही विकास होना चाहिए तो वो एनएसएस का लक्ष्य है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है बच्चे समाज से जुड़ें क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ उन समाज के लोगों से, गाँव से, हमारे कस्बों से हमारे बच्चों का जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। समाज को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान हमने चलाया था और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बीच में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पॉलीथीन का उपयोग ना करने के लिए एक रैली निकाली गई थी और जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। बच्चों ने प्लास्टिक को प्रतिबंध लगाने करने के लिए कागज़ की पॉलीथीन कागज़ के बैग भी बनाए स्वयं अपने हाथों से। हमारे द्वारा यहाँ पर समाज से जुड़कर समाज में फैली कुरीतियों तथा भावों, अलग अलग विचारधाराओं को जाना तथा उन्हें दूर करने के लिए एक समाज सेवी के रूप में भी प्रयत्न किया गया। हमारे कार्यक्रम अधिकारी की उपस्थिति में हम सब लोगों द्वारा समाज से जुड़कर सामाजिक विचारधाराओं को तथा सामाजिक जो
पुराने जमाने के व्यक्तियों की सोच होती है उन्हें बदलकर एक अच्छी सोच तथा भारत के विकास में अमूल्य योगदान दिया। हमारे द्वारा यहाँ पर स्वच्छता पे पेंटिंग प्रतियोगिता की गई तथा यहाँ पर नशा मुक्त के लिए वॉल पेंटिंग की गई तथा बहुत से जन जागरूकता अभियान चलाकर रैली चलाकर लोगों को संदेश दिया गया तथा लोगों को यह संदेश भी दिया गया कि वह जो ज्ञान तथा अपने सभी स्वयं साथियों से कहा गया कि वो उन्होंने जो ज्ञान अपने 7 दिवसीय शिविर में सीखा है वह उसे अपने तक सीमित न रखकर समाज तक फैलाएं तथा समाज के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दें। लक्सर पुलिस ने गोवर्धन मार्ग पर होली क्रॉस स्कूल के पास परचून की दुकान में चोरी कर रहे 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर उसी रात में अज्ञात चोरों ने कोतवाली की नाक के नीचे रुड़की लक्सर मार्ग पर एक परचून की दुकान से लाखों रुपए के सामान और हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी डीवीआर को भी साथ ले गए। आपको बता दें कि लक्सर में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। लक्सर पुलिस भी लगातार चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर चोरों को जेल भेज रही है। बावजूद इसके लक्सर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। 8 बजे अपनी दुकान बंद करके घर गए सर, और सर हमने अपने कैमरे जो ऑनलाइन करा रखे हैं सर, तो सर हमारे कैमरे सर कल रात 12 बजे तक चल रहे थे सर, तो हमारे कैमरे कल रात 12 बजे तक चलने के बाद फिर बंद हो गए थे सर। तो हमारे पिताजी फिर मेरे पास आए कल रात को 1:30 बजे लगभग कि बेटा तुम्हारे कैमरे बंद हो गए, उसके बाद देख लो जाके। फिर मैंने कहा पापा जी कि वो तो कैमरे बंद जाते हैं, ट्रिप मार जाते हैं, अगर थोड़ी देर बाद चल जाएंगे, फिर वो थोड़ी देर बाद चले नहीं सर। तो फिर हम सर सो गए सर। फिर सर तो सर जब हम सर दोबारा दुकान पर सुबह अपने आए तो हमने देखा कि हमारा शटर फटा हुआ है सर। फिर हमने अपनी दुकान के अंदर एंटर करा तो हमने देखा सारा सारा सामान अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है सर। और सर हमारी पहले 9 नंबर को चोर हुई थी सर, सर पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, और अब भी सर यही हाल सेम पोजीशन है सर। कितने की चोरी? सर 8-9 लाख की चोरी है सर मेरी यहाँ दुकान सर। दरअसल एक तो कल चोरी हुई है, कल शाम के टाइम पे एक होली क्रॉस स्कूल के पास, उसमें जो है 2 चोर है सुल्तानपुर के शौकीन और वाजिद, वो पकड़े गए हैं रंगे हाथ चोरी करते हुए, तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एक चोरी रात में हुई है और उसमें हुसैनपुर के हैं व्यापारी, यहाँ रुड़की रोड पे उनकी दुकान है परचून की, उसमें चोरी हुई है, उसको तलाश किया जा रहा है और जल्दी उनको चोरों को पकड़ा जाएगा, ऐसी व्यवस्था जो है की जा रही है। सितारगंज में थाने प्रभारी प्रकाश सिंह दालू का रवैया गरीबों और छोटे व्यापारियों के प्रति अच्छा नहीं है। आए दिन उनकी तरफ से नाजायज चालान काटे जा रहे हैं। छोटे व्यापारियों का पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले चालान काटा गया, फिर उन्हें उनका ठेला हमेशा के लिए हटाने के लिए कहा गया, जिस कारण गरीब व्यापारियों पर आर्थिक संकट आ जाने के डर से सभी ने अपने सभासद और पालिका अध्यक्ष से इसकी शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। लगातार पूरे बाजार के जितने हमारे खोखा फल वाले हैं, चाहे वो जेल कैंप रोड वाले हों, चाहे वो किच्छा रोड वाले हों, चाहे वो खटीमा रोड वाले हों, लगातार उनके द्वारा मुझे बताया जा रहा है कि पुलिस उनके चालान काट दे रही है और पुलिस द्वारा जो है कि उनका उत्पीड़न नाजायज रूप से किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हम गए थे। लेकिन जो है कि कोतवाली प्रभारी महोदय का रवैया जो है गरीबों के प्रति मुझे आज अच्छा नहीं लगा, वो उनको हलकारने और फटकारने डांटने में लगे हुए थे, जबकि उन्हें जो है कि उनको संतुष्ट करना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हम प्रतिनिधि मैं था, हमारे कई सभासदगण भी थे, लेकिन उन्होंने जो है कि इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं करा और गरीबों को इस तरीके से हड़का रहे थे, डांट रहे थे, जैसे कि उन्होंने मनसा बना ली है कि लोगों की रोजी रोटी उजाड़ दें। मैं ये कहना चाहूँगा आज हम लोगों की यहाँ पर रणनीति बन गई है, हमारे इस जेल कैंप रोड पर या कहीं भी किसी का जो गेट हो, सरकारी संस्थानों का गेट हो, जैसे मान लीजिए कि टीचर्स कॉलोनी का गेट है, ये राजकीय इंटर कॉलेज का गेट है या कस्तूरबा गांधी का गेट है, इन सारे गेटों से काफ़ी दूर हमारे ये ठेले फल वालों को मैंने कह दिया कि आप जो है कि अपने व्यवस्था से अनुशासन में रहते हुए जो है अपने ठेले फल को लगाइए, रोजी रोटी को लगाइए और जो है सड़कों पर मत लगाइए ताकि जो है ट्रैफिक पे कोई परेशानी आए, क्योंकि ट्रैफिक भी हमारा है, जनता भी हमारी है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए इन लोगों को मैंने कह दिया है कि आप सभी बातों को ख्याल में रखते हुए किसी को दिक्कत और परेशानी शिकायत ना आए, आप जो है कि ठेले को और अपने फल को लगाइए, उसके बावजूद भी अगर पुलिस उत्पीड़न करेगी तो इसका मुंह जोड़ जो है कि हम लोग जवाब देंगे, और ये समझ लीजिए अगर कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े इन गरीब आदमियों के लिए मैं करने को तैयार हूँ। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।